किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के कारोबारी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि रोजाना उनके 150-200 करोड़ रुपए के कारोबार पर इसका असर हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म करें। इन तस्वीरों का असर दिल्ली के कारोबारियों पर पड़ने लगा है। दिल्ली के कारोबारियों का कहना है कि किसान आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से उन्हें रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन दिल्ली में अन्य राज्यों से 5 लाख से ज्यादा व्यापारी अन्य राज्यों से आते हैं जो अपना माल खरीदते हैं। लगभग वो व्यापारी आना बंद हो गए हैं। रोजाना अगर कोई आकलन कर पाए हो कि रोजाना अगर मान लीजिए जो NCR से जो लोग खरीदार आते थे या कारोबारी आते थे, उसका नुकसान कितना होगा रोजाना दिल्ली का, अगर वही आंकड़ों पे अगर आसपास की बात करेंगे? देखिए, मोटा मोटा अगर हिसाब लगाए तो लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन का व्यापार उनके माध्यम से होता था। एक अनुमान के मुताबिक पिछले किसान आंदोलन से दिल्ली को करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दिल्ली में रोज 30,000 ट्रक आते हैं, जबकि माल लेकर बाहर 50,000 ट्रक जाते हैं। लिहाजा कारोबारी भी जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। व्यापारियों के अंदर एक ऐसा भय का माहौल बना हुआ है जिसमें के जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए हैं। सरकार को आके सुनिश्चित करना चाहिए, केंद्र की सरकार को, कि व्यापारियों को माल भेजने का और गुड्स आने का, रॉ मटेरियल आने का किस तरीके से प्रबंध हो, नहीं तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ किसानों के आर पार की लड़ाई तो दूसरी तरफ कारोबार पर पड़ रहे असर की दुहाई। तकलीफ अपनी अपनी है, रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, पर सहमति अब तक बनी नहीं है। लिहाजा संकट बरकरार है, कारोबार पर पड़ रही मार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।